युवराज अब तो संभल जाओ बेटा। क्षमा करें माता श्री जी, इस आदमी का दिल टूट चुका हो, उसको जागीर वागीर से क्या लेना देना है। हमें जन्म देने वाला, हमारी माँ को निगलने वाला और कोई नहीं बल्कि छोटा ठाकुर है। युवराज एक बेकसूर इंसान है, आप बिना मुझे उसे मौत की सजा क्यों दे रहे। कहीं ऐसा ना हो कि समाज की कुरीति से लड़ते लड़ते हम एक निर्दोष इंसान की जान ही ले डालें, और वो भी संजीवनी के पति की। अगर संजीवनी को हम अपने घर की बहू बना लें तो युवराज को जीवन दान मिलेगा। वो पत्नी की और हमारे वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को भी समझ लेगी। भाई कारोबार में मन लगेगा, तुम हम सब बर्बादी से बच जाएंगे। बस एक दिए घुटने ठाकुर साहब, हमें पता था कि आप घुटने टेकने ही वाले। चलिए ठीक है, ऐसा भी कर लेते, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए ठाकुर साहब, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? ब्रह्मांड में बैठे अपने पूर्वजों की आत्मा को क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे आप? अरे युवराज कारोबार नहीं संभाल सकता, आपके कंधों को क्या हुआ, आप भी नहीं संभाल सकते। दुर्गेश मैं बहुत कमजोर हो गया। और फिर कौन बाप अपने इकलौते बेटे को मौत के मुंह में जाता हुआ देखकर टूटेगा नहीं? कमजोर नहीं पड़ेगा कौन? हमें चिंता है तो सिर्फ युवराज की चिंता है। ना समाज की चिंता है और ना ही वो ब्रह्मांड में बैठे हमारे पूर्वजों की चिंता है। ठाकुर साहब ये आप अपने होशो हवास में नहीं बोल रहे, ये शराब बोल रही है, शराब। माता श्री जी शराब के नशे में ही सही, पर डैड ने आज अपने बेटे के बारे में सोचा तो सही। देखना आप, देखना मेरी और संजीवनी की मोहब्बत अगर सच्ची है तो डैड अपने होशो आवास में भी ये बात कहेंगे, मेरा वादा है आपसे। और उसी दिन का इंतजार भी मुझे है। मैंने तो इतने सारे सेट देखे, उसमें से मुझे वो डायमंड का सेट बहुत ही पसंद आया। हाँ राम प्रसाद जी, दरवाजा देखना जी। Thank you.
तुम्हारे हाथ में बंदूक? अब क्या डाकू बनने का विचार आया है? भाई दिन ब दिन तो तुम्हारी सनक बढ़ती ही जा रही है। कमला, ये बंदूक मैं सज्जनपुर के कुंवर भूमि प्रताप सिंह के लिए लाया हूं, ताकि वो ठाकुर वान प्रताप सिंह सज्जनपुर के पुराने जागीरदार खानदानों में से हैं, उनसे अपना बदला ले सके। ये सज्जनपुर, श्री भूमि प्रताप, बदला वगैरह वगैरह, ये सब क्या है के? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या पके जा रहे हो? सब समझ जाओगी रमोला, सब समझ जाओगी। भूमिया, भूमिया, यहां आओ भूमिया। आइए कुंवर भूमि प्रताप सिंह जी, आइए, हम आपके लिए बंदूक लेकर आए। ये नीची जात का लड़का श्री भूमि प्रताप सिंह, क्योंकि तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है ना? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, बता नहीं तुम्हें कौन सी सनक सवार हो गई है। रमोला, अभी तुम सब समझ जाओगे। भूमिया, आज तुमने कहा था ना कि तुम कापी किताबें छोड़ना चाहते हो, कलम दवा छोड़ना चाहते हो, पर अपने हाथों में बंदूक लेना चाहते हो। तो लो लो ये बंदूक, मैं तुम्हारे लिए लाया। जाओ भूमिया, इस बंदूक में गोलियां भरी हैं, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है। इस बंदूक की गोलियां अपने पिता ठाकुर वान प्रताप के सीने में उतार दो, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। और इसके बाद पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। शायद तुम्हें फांसी की सजा हो जाए, या तुम उम्र कैद सजा काटो और जिंदगी भर जेल की चार दीवारी में सिर फोड़ो। अरे तुम्हारे उज्जवल भविष्य को लेकर क्या सपने देखे थे मैंने, तुम चैनल की ऊंची कुर्सी पर बैठोगे और तुम्हारा वो सपना, तुम्हारी बस्ती की खुशहाली का, वो तुमने देखा था, सब खाक हो जाएगा भूमिया, खाक। जाओ, दे दे।
बाबू साहब, हमारी माए बाप, हमारी बस्ती है, हमारी बस्ती, और हमारी बस्ती की खुशहाली का सपना खाक में नहीं मिल सका थे। बाबू साहब, छोटे ठाकुर के लिए भूमिया के दिल में नफरत है, सिर्फ नफरत। भूमिया एक पुराने जागीरदार का लड़का है, ऊंची जात वाला, दौलत वाला, और मैंने उसे एक गंवार गंदा लड़का समझा, उसे न जाने क्या क्या कहा। I'm sorry, KK. किरमोला, अब जब पता चल गया है कि भूमिया दौलतमंद है, ऊंची जात का है, तो वो गवार नहीं रहा, हाँ? अरे, अरे कभी तो इंसानियत के चश्मे से दुनिया को देखा करो रमोला, कब तक दौलत के चश्मे से देखोगी? अरे साहब, आप दुलारी, जल्दी से कप चाय पिला दो। अभी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है? नहीं, कुछ गड़बड़ है। दुलारी, जल्दी से तकिया लेकर आ। संजीवनी, अरे बाप रे, आज संजीवनी, आप इस वक्त घर पे? बेटा, मुझे लगता है इनको बुखार है, देखो पूरा शरीर तप रहा है, जाके थर्मामीटर तो लेकर आ। जी हाँ, आई। आई, आई। संभाल कर, संभाल कर, रिलैक्स। जरूर आप ठंडे पानी से नहाए होंगे, आजकल वैसे भी वायरल फीवर है। पूरा बदन टूट रहा है। संजीवनी, डॉक्टर गुप्ता को फोन कर देना बेटा। आई।
थैंक यू। डॉक्टर आ रहे हैं वो। कैसे घबरा गई है माँ, पापा की जरा से बुखार से। ये होता है पति पत्नी का प्रेम। और ये होता है पत्नी धर्म। एक नया भागी था, मेरा पति मौत के मुंह में जा रहा है, मैं उसका ख्याल रखना तो दूर इससे बेरुखी की हूँ। तू है मेरे देश की बेटी। ये भगवान, 102 बुखार। संजीवनी, 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 ज्यादा दवाइयों का बॉक्स लेकर आ। 102 बुखार, चलो दवाई दे देती हूँ जब तक डॉक्टर नहीं आते। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। घबराओ नहीं है शुदा, मौसमी बुखार है, कोई देर में उतर जाएगा। मुझे समझा रहे हैं, मैं जानती नहीं हूँ आपको क्या। संजीवनी के हालात से दिल लगा लिया होगा आपने। यूं हर बात दिल से लगाई ली जाती है, कुछ भगवान पर भी छोड़ा जाता है। भगवान संजीवनी का हम और आपसे अच्छा करें। अब हम हर की टेंशन ले रहे हैं। मेरे से आपकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। कैसे पूरा शरीर उतर गया है। ठाकुर साहब, इतनी बेचैनी से किसका इंतजार हो रहा है? सज्जनपुर से ठाकुर वान प्रताप जी आ रहे। मालिक, जैसे आप बधारिये वन प्रताप जी, माफी चाहता हूं। हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आपका स्वागत हम उस तरह नहीं कर सके जिस तरह की आपने हमारा स्वागत किया था। आपने फोन पर इन बातों का इशारा किया था। युवराज जी कैसे? क्षमा करें ठाकुर साहब, दोनों दिग्गज ठाकुरों के बीच में बोल रही हूं, पर ये जरूरी। देखिए वान प्रताप जी, हम आपसे कुछ छुपाएंगे। युवराज संजीवनी के इश्क में अपनी जान से खेल रहे हैं और हमारे पति ठाकुर रणवीर से पुत्र मोह में शराब के नशे में डूबते जा रहे हैं। इससे कारोबार की हालत काफी बिगड़ी हुई और इस सूर्यवंशी खानदान की बर्बादी का कारण है वो बंधुआ की बेटी, वो संजीवनी।